माय चैनल स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विद द वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास इक्वेशन होंगे वन वेरिएबल के, मतलब एक्स या फिर वाई या फिर जेड, कोई भी एक वेरिएबल के ऊपर बेस्ड, मतलब दूसरा, मतलब एक ही प्रॉब्लम में आपको एक्स और वाई ऐसा नजर नहीं आएगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। और उस इक्वेशन के आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है, मतलब सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो प्रैक्टिस से 12.1 लेकर आई हूँ, इसे आज देख लेंगे इस वीडियो में। 12.2 का वीडियो मैं धीरे धीरे जरूर अपलोड कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग नहीं लिखा है मैंने, मैं पढ़ लेती हूँ। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दी हुई वैल्यूज है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, है तो कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो हर बार हमें ये वैल्यूज इस इक्वेशन में इस वेरिएबल की जगह पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि आंसर है सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन, मतलब एक्स की प्लेस पर मुझे नेगेटिव वन प्लेस करना है। एक्स माइनस फोर, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, एक्स की प्लेस पर माइनस वन, माइनस फोर इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट एक मिनट हम क्या करेंगे, एल एच एस और आर एच एस लेंगे, ठीक है। एल एच एस इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो एक्स माइनस फोर दिया हुआ है, तो हम इसके नीचे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या करेंगे, यहां कर देती हूँ मैं, नेगेटिव वन माइनस फोर कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको ये पहले भी समझाया, एक साइन एक नंबर, एक साइन एक नंबर, जब इस तरीके से आता है ना तो उसे हमें सॉल्व करना होता है, ओके। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, फोर प्लस वन फाइव, और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, बड़ा नंबर हमारा फोर है, इसका साइन क्या है, माइनस, ठीक है। अब आप देखो, ये एल एच एस आया माइनस फाइव, आर एच एस क्या है, इज इक्वल टू थ्री, मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस वन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम नहीं आए हैं, एल एच एस और आर एच एस जो है सेम नहीं आए, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर से दूसरा वैल्यू डालेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू प्लस सेवन, ओके, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, एल एच एस इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू, या उसके नीचे हम कर सकते हैं, क्या है x की जगह पर, सेवन है ना, x इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर कितना हुआ, थ्री, आर एच एस इज इक्वल टू थ्री, दोनों भी आ गए सेम, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, ये आंसर है हमारा, इसे ब्लॉक कर देती हूँ, x इज इक्वल टू सेवन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, है ना, बहुत सिंपल है। अब मैंने इसे दो टाइम्स कर लिया, टू टाइम्स कर लिया और मेरा आंसर आ गया है, लेकिन मैं तीसरे जो थर्ड वाला जो है हमारा, मतलब नेगेटिव सेवन है, मैं उसे छोड़ नहीं दूंगी, मुझे उसे भी सॉल्व करना होगा। अब स्पेस नहीं थी करके मैंने इसे मिटा दिया, और x इज इक्वल टू नेगेटिव सेवन, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, एल एच एस इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, एक्स की जगह पर आएगा माइनस सेवन माइनस फोर, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सेवन एट नाइन टेन इलेवन, और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। एंड आर एच एस कितना है, ये आर एच एस है ना, थ्री। अब देखो, एल एच एस आया निगेटिव इलेवन, आर एच एस आया थ्री, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, वेरी सिंपल, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू निगेटिव सेवन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, इसीलिए हमें ये देना होगा।
ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, और फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो बचे हुए प्रॉब्लम है वो काफी सिंपल, स्टूडेंट मैं चाहूंगी कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। ओके, अब स्टूडेंट ये प्रॉब्लम है, इस फॉर्मेट में आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे, तीन ब्लॉक्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये प्रॉब्लम है, आपको पता है हमारा इक्वेशन है ये, और LHS ये हो गया, इसे हम LHS कहेंगे, दिस इज RHS, मैं यहाँ चाहे तो लिख देती हूँ ताकि याद रहे, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड में होता है, दिस इज RHS राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। तो LHS क्या है हमारा, LHS 9M है, तो मतलब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ M इज 3, M की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, 9 M की जगह पे, मैं इसे नहीं लिखती हूँ डायरेक्टली लिखती हूँ, 9 इंटू M, M की वैल्यू क्या है 3, ओके, तो कितना आएगा 9 3 27, LHS आके 27, RHS ये कितना है राइट हैंड साइड 81 है, ओके, तो अब ये 27 आया, ये 81 आया, दैट मींस H इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, LHS अब डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, 9M है मुझे पता है, तो 9 इंटू क्या करूंगी, M की प्लेस पर मुझे 9 पुट करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू 9, दैट मींस 9M लिखा है इसलिए 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके, कितना आएगा 9 9 81, RHS कितना है हमारा, कहां गया RHS, दिस 81 है, ओके, एक ही प्रॉब्लम से सॉल्व करना है तीन बार, आ गया, ये भी 81, ये भी 81, LHS is equal to RHS, that means M is equal to 9 is the solution of equation, ओके, अब फिर भी मैं आ गया है लेकिन इसे छोड़ दूंगी, नहीं मुझे ये भी करना है और बताना है कि ये सॉल्यूशन जो है नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट M is equal to -3, LHS क्या है हमारा 9, माइनस 9M है तो M की प्लेस पर मुझे माइनस 3 लिखना होगा, तो 9 3 27, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है प्रोडक्ट जब करते हैं तो साइन का भी प्रोडक्ट करना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो हम इस तरीके से नहीं करते हैं, हम बड़े नंबर का साइन लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमें माइनस करना होता है और बड़े नंबर का साइन देना होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमें मल्टीप्लीकेशन करके साइन का भी प्रोडक्ट करके वहां लिखना होता है, ठीक है। RHS कितना है हमारा 81, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर M is not is -3 is not the solution of equation. इसी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, ये काफी इजी प्रॉब्लम थे इसलिए मैं ज्यादा समझाने की इसमें नहीं थी, बाकी दोनों तो काफी इजी है, 2 into a लिखा है तो 2 multiply by a, मतलब a की प्लेस पर एक बार लिखोगे आप 2 तो क्या हो जाएगा वो, देखो ओरली बता रही हूँ, 2 multiply by 2 प्लस 4 कितना होगा, 2 2 4 प्लस 4 8, 8 मतलब LHS 8 आ जाएगा और RHS 0, तो ये भी नहीं होगा, फिर सेकंड नेगेटिव 2 पुट करना पड़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2, a की प्लेस पर नेगेटिव 2 आएगा तो क्या आएगा 2 2 4 मतलब नेगेटिव 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, तो इनका क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 2 जो है ये सॉल्यूशन हो सकता है इक्वेशन का, हो सकता नहीं होता होगा, ठीक है, फिर भी आप तीनों वैल्यूज को पुट करके उसे सॉल्व करके देखेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारा टाइम लगा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 12.1, हेडिंग इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन इन द इक्वेशन, ओके, हियर इज पी इज द वेरिएबल, इज हियर एम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, थर्ड प्रॉब्लम, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, 17p-2 इज इक्वल टू 49, ये प्रॉब्लम हमारा बड़ा इजी है, मैंने इसका एक इजी तरीका ढूंढा है, बच्चे मिस्टेक कर ही देते हैं पर हमें नहीं करना है, देखते कैसा, देखो क्या करना है, इस वेरिएबल के पास कौन सा नंबर है 17, ओके, ये है 2,
ओके हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को यहां रखना है पर इस नंबर को सबसे लेफ्ट लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है देखते हैं, 17p इज इक्वल टू 49। इस 2 को मुझे इधर लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है, मैं धीरे धीरे करके क्या करूंगी, इस इधर साइड की जो भी नंबर्स है उन्हें मैं इज इक्वल टू के उधर ले जाकर शिफ्ट करने वाली हूँ। क्लियर, क्यों करने वाली हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पी रखूंगी। क्यों रखूंगी, क्योंकि पता है पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे यही रखना है, बाकी नंबर्स का हमें काम नहीं है। हमें क्या करेंगे फिर, काम नहीं है तो मिटा देंगे, नहीं उसे एक 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 करके शिफ्ट करेंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है लॉजिक। क्या करना है, वैल्यू की पी की एक्स की वाई की जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना है सबसे पहली चीज। उसके पी के मतलब जिस साइड में पी है उस साइड में जो भी वेरिएबल्स है नंबर्स है उस सारे नंबर्स को इज इक्वल टू के दूसरे साइड में डाल देना है, शिफ्ट कर देना है। अब सबसे पहला देखो ये 2 जो है, आप सोचेंगे मैम ये 17 क्यों नहीं डाला, पहले 2 क्यों डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये पी के पास के रिश्तेदार है और ये जो 2 है ये दूर का रिश्तेदार है। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो पास के रिश्तेदारों को थोड़ा देर तो रखते हैं, दूर के रिश्तेदारों को हम क्या करते हैं जल्दी से, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं करते उनको रुकने के लिए। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे ये क्या है, दूर का रिश्तेदार है, पहले इसे भगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, -2 का इज इक्वल टू किधर लेके जाते हैं तो +2 हो जाता है, -2 का +2। 17 भी फिर से रह गया, 49, 50, 51 बन गया। ओके अब क्या करना है, अब ये पास के रिश्तेदार भी काफी समय से रह रहे हैं, अब इन्हें भी अपने घर जाना चाहिए ना, हमें इन्हें भी छोड़ देना चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें यहाँ पी को रखना ही है, इस 51 को यही देना पड़ेगा, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, बस ये 17 को हटाना है। क्या करेंगे, ये 17 पी का मतलब होता है 17 × p। अब ये 17 और पी का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का इज इक्वल टू उधर ले जाकर डिविजन होता है। एक चीज को याद रखिए, प्लस का माइनस होता है, माइनस का इज इक्वल टू किधर जाके प्लस होता है, डिवाइड में कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसे, ये क्या है, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा डिवाइड, पी इज इक्वल टू 17 × 17, 17 × 2 = 34 and 17 × 3 = 51। यहाँ हो जाएगा, ये इजी मेथड है स्टूडेंट। दूसरी एक और मेथड है पर वो मैंने नहीं सिखाया सिखाई आपको, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी लेंदी हो जाती है तो बच्चों को लगता है कि बाप रे हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये अगर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी रॉन्ग भी नहीं मिलेगा और ये आगे चल के भी समझने के लिए आसान होगी। हम इसी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आगे चल के। ठीक है, फिर से ये यहाँ दूर का रिश्तेदार कौन सा है, 7 है ना, एम तो 2 तो करीब दिख रहा है, 7 ही दूर है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को ले जाएंगे, -7 हो जाएगा, +7 का -7, 9 − 7 = 2। फिर अब ये पास के रिश्तेदार को भी भगाना है, भगाना नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई में है, 2m का मतलब 2m, 2 × m डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया, m की वैल्यू 1 हो गया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, देखो 3x और 2x, xx वाले मतलब x का जो है एक ही फैमिली मेंबर्स है, कुछ मेहमान इसके साथ बातें कर रहे हैं और कुछ मेहमान इसके साथ बातें कर रहे हैं, तो ये भी क्लोज मेंबर्स हैं हमारे, है ना, हमारे घर के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो पहले ये x x वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको 5 ला लेंगे। ठीक है, 3x ये इज इक्वल टू किधर है, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है ना, सामने का प्लस माइनस के लिए, इसके पीछे माइनस का साइन है, इसका मतलब सामने वाला जो है प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं है, इस प्लस है। ठीक है, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, यहाँ -4x है, आप क्या करते हो बाद में जो 4 लिखते हो तो इस माइनस को भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ -4 और ये +12 का हो जाएगा -12। ध्यान में आया, +12 का -12 इज इक्वल टू के उधर गया, इसलिए इसका कुछ नहीं किया क्योंकि ये एज इट इज यहीं पर रहने वाला है। ठीक है, अब 3 में से 2 गया 1x, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस को भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस 12 + 4 = 16, बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया, बड़ा इजी था ये तो, इसको तो कुछ करने नहीं पड़ा, ज्यादा शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ी मुझे,
नंबर्स को नंबर के पास लेके गई और वेरिएबल्स वालों को पास लेके आई, बस लाइक टर्म्स को पास लेके आया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, आप देखो ब्रैकेट के बाहर 5 दिया है और x माइनस 3 दिया है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है और x प्लस 2। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि इस 5 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 × x 5x 5 × 3 = 15 है सिंपल, इज इक्वल टू 3 × x 3x + 3 × 2 = 6 हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम है देखिए अभी ऐसे ही बन गया है, हमेशा जब आपको x x वाले अगर दो नंबर मिलते हैं सेम, देखो x है यहाँ पर भी x है तो इन्हें पास ला दिया करो 5x और ये क्या है प्लस 3x तो ये हो जाएगा माइनस 3x। ओके इज इक्वल टू, क्या उधर आया तो प्लस का माइनस बनता है, चाहे इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए पर साइन चेंज होती है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया माइनस इज इक्वल टू यहाँ 6। अब माइनस 15 नंबर्स को नंबर के पास लेकर जाना है, ये भी मैंने समझाया आपको, वेरिएबल्स वालों को वेरिएबल्स के साथ, लाइक टर्म्स को पास लेकर आएंगे इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है तो 15 माइनस 15 हो जाएगा प्लस 15। ओके इसके सामने की साइन देखना है पीछे की नहीं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ का साइन देखते हैं पता नहीं क्या करते हैं गलत हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसके सामने की साइन देखनी है। ठीक है यहाँ पर इसके सामने की साइन देखनी है। ओके अब ये 5 में से 3 गया कितना होगा 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 15 होगा 21। तो x की वैल्यू क्या आएगी 21/2। ओके यही वैल्यू होगी, यही हमारा सोल्यूशन होगा 21/2। अब नेक्स्ट देखो सबसे पहले दूर के रिश्तेदार दिख रहे हैं, यहाँ पर रिश्तेदारों को हमने देखा ही नहीं है ना, नंबर्स को नंबर्स के पास इसी तरीके से याद रखा है, यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ चुका है। मैम सबसे पहले कौन सा नंबर शिफ्ट करेगी, देखो आप यहाँ देखो ये प्लस थोड़ा ज्यादा दूर है, 8 करीब है और 9 बहुत ज्यादा करीब है ना, 8 और ये वाले पूरी एक टर्म है पर ये थोड़ा दूर दिख रहा है और 9 बहुत पास है, तो सबसे पहले इस 1 को शिफ्ट करेंगे। ओके दूर के रिश्तेदारों को भगा दो, 9x/8 = 10 में से बन गया यहाँ क्या बना 9। ओके अब देखो इस नंबर को शिफ्ट करना होगा तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में दिख रहा है आपको स्टूडेंट या अपॉन में दिख रहा है, डिवाइड का इज इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा है ना, 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा 9x इज इक्वल टू 9 × 72 दिख रहा है आपको, हाँ दिख तो रहा है क्या 72। ओके 9x बचा रहा 8 उधर चले गया तो ये हो गया 9 × 8 9 × 8 हो गया 72, यहाँ बच गया 9x इज इक्वल टू 72। अब फिर भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमें 9x की वैल्यू नहीं चाहिए है ना, तो अब क्या करेंगे x इस 9 को भी शिफ्ट कर देंगे, तो ये मैं यहाँ करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है थोड़ा यहाँ कर देती हूँ ताकि दिखेगा आपको 9x इज इक्वल टू 72, x को वही रखूंगी 72/9 क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 9 × 9 9 × 72 x इज इक्वल टू आया 8। ओके है सिंपल, अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम ये बड़ा किचकिच प्रॉब्लम है, मैं क्या करती हूँ इसे ऊपर लिखती हूँ। सो देखो स्टूडेंट ये पहले का प्रॉब्लम मैंने मिटाकर ये ऊपर लिख लिया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y × 3y, जब इस तरीके का आपको आ रहा है ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है बीच में प्लस का साइन है, तो याद रखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ये तो आप सोचेंगे मैं आपको समझता है इसलिए आप करते हैं, हमको नहीं समझता हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता रहेगा कि कब क्या करना है, तो इसीलिए बता दे रही हूँ कि यहाँ जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके का प्रॉब्लम दिखता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे याद रखवाती हूँ मैं, ओके इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ 3y × 3y प्लस 7 × y − 4 ओके स्टूडेंट अपॉन 7 × 3 = 21 इज इक्वल टू 2 ओके 7 × 21। अब 3y + 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहीं पर समझाया जब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है तो इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके 7y × 7y − 7 × 4 = 28 अपॉन
21 is equal to 2. ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ वाई वाई दिख रहे हैं हमको सेम, तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे. क्या होगा, 3 प्लस 7 10 वाई, ओके, माइनस 28 अपॉन 21. ठीक है, लिख लेती हूँ, एक्स्ट्रा कर लेंगे. अब क्या करेंगे, तो पहले ये 21 थोड़ा दूर है, ओके, इसको मैं ले जाती हूँ. दूर का भी छोड़ दो, खैर दूर का भी नहीं बोलूंगी मैं, पर इस 21 को अगर मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगा. कैसे, देखो, 10 वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 2, डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 21. 10 वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 21, 2 सा कितना होगा 42. ओके, अब क्या करेंगे, देखो नंबर को नंबर के पास लेकर जाएंगे. ये मैंने बताया आपको, नंबर को, ये दूर के रिश्तेदार है. अब कह सकते कि भाई दूर के रिश्तेदार, पहले इनको शिफ्ट कर दो. सिंपल प्रॉब्लम बन चुका हमारा. 42 माइनस 28 का बनेगा प्लस 28, क्या होगा ये 8 9 10 4 5 6 7 70 बन चुका. अब y, अभी 10 को भी हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, 10 y मींस क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये होगा डिवाइड में चले जाएगा. तो y की वैल्यू आएगी 10 1 10 10 7 10. नीचे में 1 आता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं. ओके स्टूडेंट, बड़ा सिंपल था. तो आज के वीडियो में इतने ही प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 5 प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू. आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, बट आपके ब्रेन में भी ये फिट होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, समझाया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक प्रेस कर देंगे, ताकि लाइक वीडियो में जाके आप वीडियोज़ को देख सको. क्योंकि काफ़ी दिन के बाद क्या होता है कि ये वीडियो सामने नहीं दिखते हैं, आपको जल्दी सर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है. तो लाइक वीडियो में रहेंगे तो आपका सेफ रहेगा कि आप फटाक से देख पाओगे. बस इतना ही कहना है, इसके लिए लाइक करिए, बाकी कोई ये नहीं कहना, ठीक है. और इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा. थैंक यू, बाय.